हे गाइस, तो स्वागत है आप लोगों का स्लेंडरिना द सीवर गेम के अंदर। अभी अभी मेरे को खबर मिली कि मेरे घर के पास एक गंदा नाला है जहाँ पर स्लेंडरिना भी आकर रह रही है। ठीक है, तो हम लोग जाकर उससे मिल के आते हैं। नहीं, मेरे को नहीं पता कि स्लेंडरिना के साथ क्या हुआ है जो कि वो इस जगह पर आकर रहने लगी है। ये है वो सीवर। ओके, अभी देखते हैं स्लेंडरिना यहाँ पर कर क्या रही है। उससे जरा पूछते हैं कि ऐसी क्या मजबूरी थी जिसकी वजह से उसको इस सीवर में आके रहना पड़ रहा है। बड़ा ही गंदा सीवर है भाई, मेरे को उसको समझाना पड़ेगा। इस सीवर वगैरह में रहना अच्छी बात नहीं है, यहाँ पर बहुत ही गंदगी रहती है। ये क्या चीज़ है? आई नीड अ हैंड व्हील। ओके, उसके सीक्रेट्स जानने के लिए मेरे को एक हैंड व्हील चाहिए होगा। और ये क्या काई है भाई, क्या चीज़ है, क्या लटक रहा है ये? पता नहीं यार, क्या ये काला काला सा, मतलब काला नहीं, हरा हरा सा है। देखो यहाँ पर मेरे को कुछ मिला है, हैंड व्हील। अरे यही तो चाहिए था मेरे को अभी उधर। यार उधर ये मेरे को मांग रहा था और मेरे को इधर ही मिल गया, भाई क्या सीन है। मैंने इसको यहाँ पर लगा देता हूँ, देखते हैं इससे क्या होता है। आई कैन डू डैट येट। ओके, तो हम लोग इसको अभी नहीं घुमा सकते, मेरे को पता नहीं अभी क्या करना पड़ेगा। फिलहाल मैं जाकर देखता हूँ कि स्लेंडरिना किधर मरने लग रही है। हेलो मैडम जी, किधर हो आप? इस दरवाजे की अरे आ गई भाई, आ गई। ओके, स्लेंडरिना अभी भी तो बढ़ी हुई है मेरे से। मेरे को माफ़ कर दे यार, पता नहीं यार क्यों मेरे से इतना नाराज रहती है ये बंदी। ये क्या चीज़ है यहाँ पर? मेरे को कुछ चाहिए आई गैस। मेरे को रेंच चाहिए। ओके, यहाँ पर भी रेंच चाहिए, जिसके बाद ये आई थिंक मैं इस आयरन बार्स को हटा सकता हूँ, जिसके बाद मैं उधर जा सकता हूँ। वैसे आयरन बार्स लग नहीं रही है, लकड़ी का लग रहा है मेरे को। पता नहीं यार क्या सीन है। इधर देखते हैं कि सीवर के अंदर ये दरवाजे किसने लगा दिए भाई। सीवर, ये सीवर है कि घर है भाई? ये कैसा सीवर है? हमारे यहाँ तो भाई ऐसे सीवर बिल्कुल नहीं होते। हमारे यहाँ तो खुली खुली नालियाँ होती हैं जिसमें बच्चे सुसु करके जाते हैं। ओके, इस पेंटिंग के पीछे कुछ है, ये क्या चीज़ है? ओहो, ये काफी सारी यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने इस गेम को खेला होगा। ये पागल, पता नहीं क्या दिक्कत क्या है इसकी भाई, क्यों परेशान कर दिया मेरे को। पता नहीं यार इस स्लेंडरिना को प्रॉब्लम क्या है, इसके घर में मेहमान आते हैं ये उनका भी स्वागत नहीं करती है, ऐसे परेशान करती रहेगी उनको भी। ये नहीं है कि भाई चाय पानी के लिए पूछ लेगी, क्या बिगड़ जाएगा तेरा अगर तू चाय पानी पिला देगी मेरे को तो। हाँ ओके, मेरे को यहाँ पर रेंच मिल चुका है गाइस। ये इधर ही पड़ा हुआ था पेंटिंग के पास, पर मैं इसको उठा क्यों नहीं पा रहा। ओके, तो ये मेरे को रेंच मिल चुका है जो कि इसी पेंटिंग के पास पड़ा हुआ था। मैं अंधा, मेरे को नज़र ही नहीं आया, और नज़र आएगा भी कैसे, स्लेंडरिना से फुर्सत मिली मेरे को तब ना। ओके भाई, ये रेंच कितना रियलिस्टिक लग रहा है। ऐसा लग रहा है इसी पानी से मैं स्लेंडरिना का सर फोड़ दूँ। ओके, इसको खोलते हैं फिलहाल, और इसको भी खोलते हैं, और अभी खुलेगा, एक खुलना चाहिए इसको। खुलना भाई, क्या हो रहा है ये, खुल जा भाई। कहाँ से आ रही है, क्या करने लग रही है भाई, कुछ भी, कोई इधर है भी नहीं है। मेरे को समझ में आया, अगर हम लोग वहाँ पर उस हैंडविल को घुमाएंगे तो साइज से ये ओपन हो जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पर जो स्क्रूज हैं उसको निकाल दिया है। अरे यार ये चीज़ मेरे पहले दिमाग में क्यों नहीं आई, मैं इतनी देर से देख रहा हूँ भाई खुलेगा कैसे। मैं भी पता नहीं यार क्या भांग पी के बैठा हुआ हूँ। ओके, अभी आई गैस मैं इसको अगर घुमाऊँगा तो वहाँ पर वो ओपन हो जाना चाहिए प्लीज़। हाँ ये घूम चुका है, तो शायद से अभी वो ओपन हो जाएगा, और ये खुल चुका है गाइस, क्या बात है। अभी हम लोग उधर जा सकते हैं और एक्सप्लोर करते हैं क्या है इसके सीवर के अंदर, क्या इसने सीक्रेट छुपा के रखे हुए हैं। ओके, मेरे को एक क्रोबार भी चाहिए था ना, मेरे को इधर ही किधर ही मिलेगा आई गैस। बाप रे, तो काफ़ी बड़ा सीवर है यार, पता नहीं कितने घरों से गोबर आता होगा इधर सीवर में। इस इतने गंदे सीवर में मेरे को घूमना पड़ रहा है स्लेंडरिना की वजह से। पागल लड़की, इसको पूरी दुनिया में सिर्फ ये सीवर मिला था रहने के लिए, हद हो गई है। ओके, इस दरवाजे के पीछे क्या है भाई साहब, क्या भूल भुलैया है यार ये, मतलब इतना बड़ा भी क्या दे दिया इन्होंने ये। ओहो, इधर एक लॉक है। अरे यार ये कहाँ दीवारों में से आ रही है क्या? तो इस लॉक के लिए मेरे को एक की चाहिए होगी। ये भी लॉक है यार, इस पे तो कोई लॉक है भी नहीं, क्यों लॉक है फिर? अच्छा ठीक है, मेरे को यहाँ पर एक की चाहिए और एक क्रोबार। अभी देखो यहाँ पर बॉक्सेस रखे हुए हैं, इसके ऊपर कुछ है। ओहो, यहाँ पर एक फोटो है आई गेस स्लेंडरमैन, स्लेंडरिना और उस एंजेलिना की है। मैं अभी स्लेंडरिना से प्यार से बात, स्लेंडरिना थैंक यू, मैंने उससे कहा की बताने के लिए और उसने मेरे को की दिखा दी। अरे खुल जा भाई, आई नीड अ पैडलॉक की, अभी तो उठाई थी मैंने, क्या पागल है यार ये, खुल जाना। इस दरवाजे, इस पर तो कोई लॉक भी नहीं है यार, खामखा इस दरवाजे की कैसे हो सकती है। चलो हम लोग और नीचे आ चुके हैं, और ये क्या है, इसके लिए मेरे को क्रोबार चाहिए। मेरे को क्रोबार अब दो जगह चाहिए, ठीक है, और मेरे को क्रोबार अभी तक पाया ही नहीं है, कमाल की बात है ना। इधर कोई दरवाजा तो नहीं है, और इधर भी कुछ भी नहीं है भाई, ये क्या चीज है। यहाँ से मैं नीचे नहीं करूंगा, ये वॉइड टाइप का लग रहा है, मैं जंप कर सकता हूँ क्या? नहीं, अरे मैं गिर ना जाऊंगा। क्या भाई, क्या सीन, क्या था ये, वो टूटा पड़ा था, क्या था वो उधर? देखते हैं कोई रास्ता तो होगा, मेरे को इस बार थोड़ा तरीके से देखना पड़ेगा, ठीक है। और हम लोग आ चुके हैं वापस उसी साइड, तो यहाँ पर इस तरफ है वो वॉइड, ये रहा,
और यहाँ से नीचे गए तो काम तमाम है हम लोगों का, तो मेरे को देखना पड़ेगा इधर कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। इस गेम को पोजेस करके रखा है सिलेंड्रिना ने, ये पता नहीं लैग कर रही है गेम को, थोड़ा नीचे नज़र झुका कर रखनी पड़ेगी क्योंकि नीचे ही मेरे को कुछ हाँ यही तो चाहिए था मेरे को। फाइनली यार क्रोबार मिल चुका है, तो अभी मेरे को इसके दो जगह पर यूज है, तो पहले हम लोग नीचे ही देख कर आते हैं नीचे उस बॉक्स के अंदर क्या चीज है, ठीक है। उसको ओपन करते देखते इसके अंदर क्या चीज है। अरे एक और की रखी हुई है इसके अंदर, मे बी ये ऊपर वाले लॉक की हो सकती है। अरे यार इसको उठाया तो ये क्रोबार गिर चुका है, मैं एक बार इसको ऊपर ट्राई करके आता हूँ, अगर ये ऊपर वाले रूम में लग गई तो सही रहेगा। प्लीज यार ये दरवाजा खुल जाना चाहिए, खुल जाना यार। अभी भी इसके लिए पैडलॉक मांग रहा है, तो यानी कि इस दरवाजे की नहीं है, तो मैं इसको ना कोने में फेंक देता हूँ, इसको बाद में उठाएंगे। हम लोग क्रोबार को लेकर ऊपर चलते हैं फिलहाल, ऊपर वहाँ पर जो प्लैंक्स लगे थे उनको हटा के देखते हैं। यार मैं तो बाहर जाने का रास्ता ही भूल गया, किधर से है रास्ता यार, इतने सारे तो रास्ते दे रखे हैं, एक सिंपल सा रास्ता भी दे सकते थे यार, क्या है ये। ओके गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं उसी जगह पर, और अभी मैं फाइनली इन प्लैंक्स को हटा सकता हूँ। इस प्लैंक को हम लोग उठा भी सकते हैं, अरे यही तो चाहिए था यार, ये हमारे काम आ सकता है। तो मैं उधर कैसे जाऊँ, वेट, मतलब इन प्लैंक्स को हटाकर हम लोग उधर नहीं जा सकते, इन प्लैंक्स को हम लोग यूज कर सकते हैं। चलो यार ये तो अच्छी बात है कि हमको उधर निकलने के लिए कुछ मिल चुका है। ओके प्लेस यस, अरे भाई बन की बात, अभी तो मैं उधर जा सकता हूँ। ओके यहाँ पर मेरे को एक स्क्रू ड्राइवर, वेट यार यहाँ पर इतनी दूर में सिर्फ इस स्क्रू ड्राइवर को लेने आया था, इसका मेरे को यूज भी नहीं मालूम है कि इसका यूज है किधर। मेरे को कहीं पर भी ऐसी कोई जगह मिली नहीं ना, मेरे को कहीं पर भी ऐसी कोई भी जगह नहीं मिली जहाँ पर मेरे को स्क्रू ड्राइवर का यूज हो। अभी मेरे को ढूंढना पड़ेगा, कुछ ऐसा तो होना चाहिए इधर। यार मैं घूम फिर के यहीं पर आ जा रहा हूँ, मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि इस स्क्रू ड्राइवर का मैं क्या करूँ। भाई सचमुच यार मेरी दिमाग की दही हो रही है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि मैं इसकी का करूँ क्या। यहाँ पर मैंने हर जगह देख लिया, हर कोने में देख लिया, मेरे को कहीं पर भी कुछ भी नहीं मिल रहा है। ऊपर से सिलेंड्रिना ने मेरे अलग खून पी रखे हैं, इसकी का मैं करूँ क्या, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा भाई। ओके गाइस मैं हो चुका हूँ यार बहुत ज्यादा परेशान, क्योंकि मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि इसकी का कहाँ यूज है और इस स्क्रू ड्राइवर का कहाँ यूज है। आप लोग भी इस गेम को डाउनलोड कर सकते हो, तो अगर आपको कहीं पर भी इन चीज़ों का यूज़ पता चले तो मेरे को कमेंट करके जरूर बताना। तो गाइस आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, बाकी मैं मिलता हूं अपन से नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड सी यू गाइस।